कौन? प्राइम मिनिस्टर बोले कि उसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ आप। अरे भाई आप लोग जब बुला के अमित शाह को पूछते हैं ना, आप खाली सुनते रहते हैं उनको। हाँ जी 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 बहुत अच्छा जी, वही तो बोले चलेगा होगा। नहीं नहीं ऐसा पूछो ना। अरे जैसे हमारे को पूछ रहे, पूछते आप अमित शाह को क्या पूछे? आप अरे कुछ भी नहीं पूछते आप लोग, डरते आप लोग। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूँ, नाम दिया हूँ, आप जाके पढ़ो प्लीज, आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो आप। चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूँ सच है या झूठ है। पूरा पूरे समझदार लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनआरसी, दैट इज द फैक्ट। द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज क्लेमिंग ऑन देयर वेबसाइट, द मिनिस्टर हैज सेड इन द पार्लियामेंट कि एनपीआर का भी आप इसका प्रोटेस्ट किसका इसको रोकिए। जिस तरह केरला की सरकार ने एनपीआर के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम सीएम को दिए और हम सीएम को ये बताए हैं कि एनपीआर में और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। बाजाब्ता हम लोग एमएचए के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके सीएम को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद एमएचए कह रहा है कि एनपीए इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनआरसी। और एमएचए के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, एनपीआर के बारे में लिखा हुआ है, पीआईबी के प्रेस नोट है एमएचए का, तो ये सीएम खुद देखकर सीएम खुद बोले कि ये लिखा है, मतलब बताए हम उनको। और सीएम खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनआरसी। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो यही था कि एनपीआर पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती। मगर ऑल इन ऑल हम तमाम लोग, चीफ मिनिस्टर जो हमारी गुफ्तगु हुई है वो एक लंबी गुफ्तगु थी और बहुत से चीज़ों पर हमारी बात हुई है। मैं हर चीज़ को यहाँ पर बोलना गलत रहेगा, बट जहाँ तक हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी अनकरीब में एक दो दिन में इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। और जहाँ एनपीआर का बात है, एनपीआर एनआरसी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं, एनपीआर एनआरसी में कोई फ़र्क नहीं है, एनपीआर एनआरसी के बराबर है। और इसीलिए हम लोग तमाम देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि एनपीआर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीज़ों को सामने रखकर। खैर हमारी जो आज जो मीटिंग हुई केसीआर साहब से, हम इससे मुतमईन हैं और ये जो प्रोटेस्ट अब आइंदा से जो भी प्रोटेस्ट होगा इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ रहेंगे और एक एक पूरे कंट्री में और स्टेट में एक मैसेज जाएगा।